गाइस आप देख सकते हो हमारे सामने खड़ी है न्यूली रिवील्ड टाटा कर्व एंड ये इंडियन मार्केट में अब बहुत जल्दी आने वाली है एंड इसका जो मेन कंपटीशन होगा वो होगा ह्युंडई की जो क्रेटा है एंड सेल्टोस है इस वाले ये सेगमेंट में आएगी एंड इसमें एक बहुत खास चीज है जो इस गाड़ी को उनसे अलग बनाती है वो जब इसका पूरा वॉकराउंड होगा तब आप समझ जाओगे। करते हैं इसका एक वॉकराउंड। तो सामने से अगर आप इसकी प्रोफाइल देखोगे तो इसका जो फ्रंट कनेक्टेड एलईडी डीआरएल आप देख रहे हो ये बिल्कुल टाटा नेक्सॉन की तरह आपको दिखेगा, बिल्कुल वैसा ही है ये। एंड और अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट में बीचों बीच आपको एक टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है, उसी के नीचे आपको यहाँ पे फ्रंट पार्किंग इसका कैमरा देखने को मिल जाता है एंड इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी दिख जाते हैं। जो इसकी ग्रिल है वो हल्की हल्की हैरियर एंड सफारी से मिलती है एंड जो डीआरएल है वो इसके टाटा नेक्सॉन से मिलते हैं ये देखिए। तो इसमें थोड़ा सा टाटा को चेंज करना चाहिए था। यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो फंक्शनल वेंट्स इसमें दे रखे हैं एंड ऊपर इसमें आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिलती है। इसका ये जो कलर है ये बड़ा शानदार लग रहा है एंड फ्रंट लुक इसकी कुछ ऐसी है, आप देख सकते हो फ्रंट से बड़ी शानदार लुक्स है। इसका जो ये नीचे आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगा स्किड प्लेट्स में एंड इसमें आपको छोटे छोटे ये जो डॉट्स दे रखे हैं ये देखिए रेक्टेंगुलर शेप के, ये भी इसमें मिलते हैं। अब अगर साइड की बात करें तो साइड में अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले दिखाऊं तो आपको ORVM पे 360 कैमरा देखने को मिल जाता है एंड LED आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। टायर्स की बात करें तो टायर्स इसमें आपको इसका साइज कहाँ है, टायर का साइज नहीं मिल रहा है लेकिन टायर के जो एलॉय का जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। हाँ ये मिल गया, ये रहा 21555R18 इंच के इसमें एलॉय व्हील देखने को मिलते हैं जो हिंडई क्रेटा में अब एन लाइन में आने वाले हैं एंड SL2 में तो आते ही हैं। तो टायर साइज काफ़ी अच्छा है, गुड़ियर के इसमें टायर्स देखने को मिलते हैं एंड जो एलोए का डिज़ाइन है वो थोड़ा लोटस पेटल्स की तरह दिखता है एंड इसके चारों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं एंड जो इसकी यहाँ पे आपको ये बॉडी क्लैडिंग दिख रही है ये पियानो ब्लैक फिनिश में दी गई है। ये देखिए ये ज़्यादातर स्क्रैचेज आ जाती हैं इस पे क्योंकि ये पियानो ब्लैक फिनिश है, इस पे स्क्रैचेज जल्दी दिखती है, हार्ड प्लास्टिक की तरह ये नहीं दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा फैंसी तो है लेकिन ये कॉस्ट में जो मेंटेनेंस होगी उसमें काफ़ी अच्छा खर्चा कराएंगी। आपको फ्रंट डोर पे ड्राइवर साइड आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है एंड अगर मैं इसकी टोटल आपको लेंथ दिखाऊं पूरी और इसकी अगर मैं शेप दिखाऊं तो ये देखिए ये है इस गाड़ी की खास चीज़, ये कूपे लाइक डिज़ाइन के साथ आती है। ये देखिए यहाँ आपको कूपे लाइक डिज़ाइन देखने को मिलता है एंड जो ये कलर है ये कलर इस पर बहुत ही शानदार लग रहा है एंड जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छा इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, शायद 210 mm तक भी इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल सकता है एंड ऊपर आपको यहाँ पे शार्पिन एंटीना देखने को मिल जाता है। और पीछे अगर चलें तो पीछे की इसकी लुक कुछ ऐसी है, ये देखिए पीछे से ये गाड़ी कुछ ऐसी लगती है। कनेक्टेड LED टेल लाइट्स इसमें देखने को मिलती है, टाटा के लोगों के साथ आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी हैं एंड जो इसका बूट स्पेस है वो भी हमें काफी अच्छा देखने को मिलेगा। नीचे आपको सिल्वर कलर की यहाँ पे स्किड प्लेट्स भी देखने को मिल जाती है बॉडी क्लैडिंग के साथ एंड ये जो पूरा बॉडी क्लैडिंग है इसका ये पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आता है। यहाँ पे आपको हैलोजन में रिवर्स पार्किंग लाइट एंड आपको रियर रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं इसकी पूरी आपको रियर प्रोफाइल दिखाऊं ये देखिए ऐसी इसकी कुछ रियर प्रोफाइल मिलती है, रियर प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लगती है इसकी एंड जो कूपे लाइक डिज़ाइन है वो इसको काफ़ी मस्कुलर डिज़ाइन देता है, काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही शानदार लग रहा है। एंड इसके जो डोर हैंडल्स है वो अगर आप देख रहे हो तो XUV700 जैसे इसमें डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं एंड बाकी और किसी भी डोर पे आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। पहली मेड इन इंडिया ये कूपे लाइक डिजाइन की SUV आप गाड़ी देख रहे हो, कितनी शानदार लग रही है एंड इसके यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ भीड़ देखिए आप कितनी सारी है, टाटा का ये मेन अट्रैक्शन है ये गाड़ी एंड बड़ी जबरदस्त लग रही है, मार्केट में बहुत जल्दी आने वाली है, सरप्राइज मिलेगा सबको। एंड आप कमेंट में जरूर बताइए कि इस गाड़ी के लिए प्राइस क्या होना चाहिए। इंटीरियर अभी कंपनी ने मना किया है कि इंटीरियर अभी आप नहीं देख सकते लेकिन अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो थोड़ा बहुत अगर इंटीरियर की भी बात करें तो इसमें हैरियर टाटा नेक्सॉन और सफारी वाला आपको शेयरिंग देखने को मिलेगा इल्यूमिनेटेड टाटा लोगों के साथ। इसमें आपको 10.25 इंचेस का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिलेगा एंड ए पिलर पे आपको इसका वूफर भी देखने को मिलेगा। पूरे डैशबोर्ड पे आपको सॉफ्टेस्ट मटेरियल भी दिख रहा होगा, काफी अच्छा है। एंड अगर इसके इंटीरियर कलर की बात करें तो ये वाइन कलर का इसका इंटीरियर है जो बहुत शानदार लगेगा। हाँ एक चीज इसमें और देखनी होगी कि क्योंकि ये कूपे लाइक स्टाइल में है तो कूपे लाइक स्टाइल की जो गाड़ियां होती है उसमें रियर सीट में आपको थोड़ा हेडरूम कम मिलता है तो वो एक देखने वाली चीज होगी इसमें हेडरूम कंपनी कितना देती है। बाकी अगर इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको इंजन स्पेसिफिकेशन भी काफी अच्छी मिलती है। ये वाला जो यहाँ पे वेरिएंट खड़ा है
ये इसमें ये डीजल वेरिएंट है। अगर मैं डीजल वेरिएंट की बात करूँ तो डीजल वेरिएंट की स्पेसिफिकेशन आप ये देख सकते हो, 1.5 लीटर इसमें 4 सिलेंडर डीजल इंजन आएगा जो मैक्सिमम 115 हॉर्स पावर एंड 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। एंड इसकी लेंथ विड्थ हाइट आप सब कुछ यहाँ देख सकते हो, व्हील बेस भी दिखा हुआ है एंड बूट स्पेस है 422 लीटर का। तो स्पेसिफिकेशन ये है, काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन है। इसके प्राइस कैटेगरी के मद्देनजर अगर हम देखें तो बहुत अच्छी है, शानदार गाड़ी लग रही है। मेन अट्रैक्शन है यहाँ ये सब का, तो आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए एंड चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।